डब्ल्यू पी एल से आई बड़ी खबर टीम इंडिया की दिग्गज कप्तान मिताली राज को मिली बड़ी जिम्मेदारी हाल ही में BCCI ने डब्ल्यू यानी कि विमेन प्रीमियर लीग जिसे महिलाओं का IPL भी कह सकते हैं उसके बारे में बड़ी अपडेट दी थी अपडेट ये थी कि डब्ल्यू यानी कि विमेन प्रीमियर लीग में टीमों का अनाउंसमेंट हो गया इस बार खेली जाने वाली महिलाओं के आईपीएल में कुल पांच टीमों ने हिस्सा लिया है लेकिन अब इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट सामने आ गई है खबर ये है कि इस लीग में खेली जाने वाली एक टीम जिसका नाम गुजरात जायंट्स है उसके मैंटोर की घोषणा हो गई है और इसकी जिम्मेदारी भारतीय महंतम कप्तान मिताली राज को दी गई है जी हां मिताली राज जिनकी उम्मीद की जा रही थी कि वो डब्ल्यू पी एल में भाग लेंगे और बतौर खिलाड़ी खेलती नजर आएंगी बल्कि उन्हें खिलाड़ी नहीं अब उनके चाहने वाले मेंटोर के रूप में जो है इस लीग में देखते नजर आएंगे आपको बता दें कि अडानी समूह खेल विकास की शाखा अडानी स्पोर्ट्स लाइन की टीम गुजरात जाइंट्स के लिए मिताली राज बतौर मेंटोर काम करती नजर आएंगी जिसके लिए उन्होंने अपना आभार भी प्रकट किया है मिताली राज ने इस मिली जिम्मेदारी के बारे में बोलते हुए कहा कि डब्ल्यू पी एल का उद्घाटन सत्र महिला क्रिकेट के लिए एक शानदार कदम है और अडानी समूह की भागीदारी खेल के लिए एक बड़ा बढ़ाव है उन्होंने आगे कहते हुए कहा कि महिला क्रिकेट तेजी से बढ़ रहा है और इस तरह की प्रेरणा युवा महिलाओं को पेशेवर रूप से क्रिकेट के विचार के लिए प्रोत्साहित करेगी मेरा मानना है कि कॉरपोरेट्स की उच्च प्रभाव वाली भागीदारी अंततः भारत को और अधिक गौरव दिलाने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करेगी इसका प्रभाव खेल को मजबूत करने और महिला एथलीटों को अवसर प्रदान करने में मदद कर सकता है आपको बता दें कि अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने भी मिताली राज को शुक्रिया अदा कहा है और साथ ही साथ उन्हें युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्ति बताया है मिताली राज की बात करें तो उन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया मिताली राज टीम इंडिया की सबसे महानतम कप्तानों में से एक है उनकी गिनती न केवल महिला कप्तानों में बल्कि भारत के पुरुष कप्तान जैसे महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली इन जैसे बड़े कप्तानों में इनकी गिनती होती है मिताली राज महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज भी हैं उन्होंने कई सालों तक टीम इंडिया के लिए सेवा की है और अब वो लीग्स में युवा टैलेंट को निखारने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाएंगी लेकिन सिर्फ मिताली राज ही नहीं बल्कि टीम इंडिया की सबसे दिग्गज तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है डब्ल्यू की टीम दिल्ली कैपिटल्स ने झूलन गोस्वामी को कोच की भूमिका निभाने के लिए निमंत्रण दिया है अब इस बारे में कोई पुष्टि नहीं है कि झूलन गोस्वामी ने हाँ किया है या इस फैसले को ठुकरा दिया है अभी आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या झूलन गोस्वामी दिल्ली कैपिटल्स की बतौर मुख्य कोच के रूप में नज़र आएंगी या फिर उन्हें कोई और ज़िम्मेदारी दी जाएगी बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ